देश आजाद जो है किसान के बेटों ने करा रखा, किसी नेता के बेटे ने कोई कुर्बानी नहीं दे रखी। जनवरी में किसान जो है हर हाल में चाहे खून की नदी में आ जाओ, प्रधानमंत्री ने चाहे इसकी दादी भी आ जाइयो, झंडा फहरा होगा किसान। कभी थाली पीट दे, कभी दीपक जला दे, कभी डमरू पीट दे, कभी नोट बंद कर दे, वो से भाई किसी को कुछ पता ना। सब इनकी जब सरकार जागी ना, यो अब तो ये जाके छोड़ेंगे, कहाँ तक छोड़ेंगे, 60 ने सादे दे चुके हैं यहाँ। और तारीख मिल गई है, क्या कहेंगे आप और आप कहाँ से? मैं मरवास से हूँ। देखिए बात यह है कि तारीख पारीख पर हमें कोई विश्वास ना, सरकार हमें गुमराह कर रही है, सरकार हमारी परीक्षा ले रही है, हमारा अहमताल ले रही है। वो ये समझ रहे हैं बारिश बारिश हो रही है तो शायद है फिर और भाग जाएंगे, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है बारिश हो गई तो हमारी और मौज आएगी। कैसे कि जो गेहूं को पानी देता किसान रुकता, अब वो खाद बखेर के यहीं आ जाएगा सहरा, और भर भर टालियों से आएंगे और सब लोग आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन हटेंगे नहीं। दूसरी चीज, जितना सरकार हमें दुखी कर रही है, अब आप जानते ही हैं भाई, जैसा बोवेगा वैसा ही काटेगा। हम तो प्रधानमंत्री जी से के लिए उन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि दे, ये कंस क्यों बन बैठे। जैसे कंस ने अपने बाप को जेल में गिर दिया, ये अपनी प्रजा की लप्पू नहीं देख रहे। प्रजा भी एक बाप होती है, और जो राजा होता है वो प्रजा का बाप होता है। और उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और ऐसे में जितना ये एक एक दिन समय लग रहा है, उतना ही सरकार को नुकसान पहुंच रहा है, और नुकसान इतना पहुंचेगा कि भाई आज ये सत्ता में, एक दिन हमारा सत्ता में आता, एक दिन हमें मिलता, उस समय सत्ता में हम होते हैं, हम जिसे चाहते हैं उसे हटा देते हैं, उसे बना देते हैं, उसे बिगाड़ देते हैं। उस दिन का ये इंतजार करें मोदी जी, अगर ऐसे ही करते रहे तो। वरना मैं तो यही की बात कहूँगा कि मोदी जी सिमल जाओ, सिमल जाओ, अपने अन्नदाताओं को, हम ही सीमा पर लड़ने वाले हैं, हम ही इस देश को पालने वाले हैं, हमसे ना बिगाड़ो, ना बिगाड़ो, ना बिगाड़ो। तो वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं ये कानून भी किसान के हित के लिए है। देखिए सब यही कहते हैं, आडवाणी और अंबानी जो वो भी अगर बात करोगे तो वो सब यही कहेंगे हम किसान के बेटे हैं। लेकिन किसान का बेटा तो वो है ही नहीं, अगर किसान के बेटे हैं तो हमारे बीच में बैठते आएंगे, बैठे तो सही, वो भी यहीं बैठ जाए, हम आएंगे, हम मान जाएंगे किसान के बेटे। और देखें फिर जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं किस तरह से रह रहे हैं, वो भी रहे मैं तो उन्हें पता चलेगा किसान कैसे काम करता, कैसे रहता। ये सब नाटक है ना, मैं चाय बेचने वाला, फलाना बेचने वाला, ये सब ड्रामा है। चाय बाय कुछ ना है बेचने वाला, चाय बेचने वाला कोई किसान हो गया, वो तो एक दुकानदार हो गया। बताओ किसान के बेटे होते तो चाय बेचते क्या? किसान का बेटा तो हल जोतता, फायला चलाता, गन्ने में पानी देता। भाई किसान का बेटे का चाय से क्या मतलब है बताओ? हमारे किस किसान का बेटा चाय की दुकान पर बैठा? चलो उनकी बात मान ली, हमने जो चाय बेच रहे, तो उनकी सोच करनी में और कथनी में फर्क हो गया प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी भूले बैठे हैं, यहाँ एक एक किसान भगवान रूप है, क्योंकि ये अन्नदाता मेहनत करके खाता है, किसी की चोरी डकैती नहीं करता। जाड़े बरसात तीनों ऋतु की सारी आफत भुगतता है, और अगर इसके पास नहीं होता तो चटनी से खा लेता है, लेकिन अपने समय को टाल लेता है। और सरकार कह रही है कि हमने किसानों की 50% मांगे जो हैं वो मान ली हैं, लगता है 50% आपकी मांगे पूरी हुई हैं? देखिए वो जो हमारी गाँव में जनता बैठी है, ये जो मीटिंगें हटा रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हमसे, ये तारीख देते हैं, हमारे नुमाइंदे को बुलाते हैं, बात नहीं करते, सुलझाव नहीं करते, ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं जनता को कि हम बात कर रहे हैं, किसान नहीं मान रहे। हम सब समझ रहे हैं, और वो किसान कुछ समझाने में लगे हुए हैं, ये इनकी भूल है। वो किसान हमारे हैं, हम भी किसान हैं, वो भी किसान हैं, सब यहाँ आएंगे और वो हमारे साथ रहेंगे, वोटिंग में भी रहेंगे, हर जगह रहेंगे, इनकी चलने वाली नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? ना हम तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अभी जो है गुमराह हो रहे हैं, हम यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को बुद्धि आए, और जितना ये हमारा जो संघर्ष बढ़ रहा है, जितना ये आंदोलन बढ़ रहा है, उतना प्रधानमंत्री जी का नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है। मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।
यही कहूँगा कि इन्हें बुद्धि आए, ऊपर वाला इन्हें बुद्धि दे। ये अन्नदाता को भूले पड़े, आज अन्नदाता को भूले हैं, कल विधाता को भूल जाएंगे। दो ही दाता होते हैं, अन्नदाता और विधाता। भाई ये तो अन्नदाता को बोल रहे हैं, जो कमाए के धरती चीर के पैदा करके जनता को खुलाता है, पालता है, बड़ा करता है उन्हें, आज उसी बोल रहे हैं ये। जैसे प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्रियों के साथ और अन्य किसानों के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने में क्या ऐसी मजबूरी है जो यहाँ पर आकर किसानों से फेस टू फेस बात नहीं कर पाते? वो गुमराह कर रहे हैं ना किसान। जब कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा है तो हमारे बीच में बैठे, हम सब किसान हैं तो हम बैठे हैं यहाँ, हम यहाँ बैठा है कि देखें हमारी स्थिति, हम भूखे भी, प्यासे भी, ठंड में, बरसात में, कल हम 3 घंटे बारिश में फंसे रहे, भीगते रहे, वो भीग के तो देखे एक घंटा। हम किसान हैं, हम जानते हैं, वो हमदर्दी भी तो करते हैं। वो कहते हैं जो यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर चले जाएं, उन्हें बहुत परेशानी की बहुत दिक्कत हो रही है। अरे तो वो बुजुर्ग है, वो आगे बैठ जाए उनकी जगह, वो भी तो किसान है, हमें बुजुर्गों को भेज देंगे। ये बढ़िया मोटे ताजे जो हो रहे हैं ये मंत्री जो है, ये आके यहाँ बैठे, हम अपने बुड्ढों को भेज देंगे, वो बैठे यहाँ आएंगे, वो भी तो किसान ही बताते हैं। तोमर जी भी अपने आप किसान ही बताते हैं, बैठे तो यहाँ बात करने को तैयार नहीं, गुमराह कर रहे हैं जनता को। भाई ये तो बरसात का फायदा उठा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बारिश हो रही है और मैं फायदा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, उन्हें नुकसान हो रहा है। जितनी तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं ना वो, उतना उन्हें नुकसान हो रहा है जी। वो सही है, लेकिन गोलों से बंदूकों से इन सारे किसान नहीं रुकता। किसान तो जब भी नहीं रुकता, नीचे सांप पड़े रहे, उसके ऊपर उतर जा, एक से एक खतरनाक सांप रहे, ठा के इधर को रख दे, अपना काम चला दे, फाला लगावा, पानी लगावा। अभी जैसे ये मंडारी बोल लिया ना मोदी ने, मैं प्रधानमंत्री नहीं कहता, ऐसे मंडारी है, कभी थाली पीट दे, कभी दीपक जला दे, कभी डमरू पीट दे, कभी नोट बंद कर दे, ये प्रधानमंत्री मंडारी है, मंडारी। तो आपके आपकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं सब कुछ? क्या कर रहे हैं अच्छाई, कौन सी अच्छाई है? काला धन वापस आ जाएगा। कौन सा काला धन आ गया? मोदी इसने भेज दिया वहाँ, नीलम मोदी पैसे लेकर करोड़ों रुपये जहाँ तक पहुँचा रखा है इसने। जब सरकार गिरेगी, इनके सांसद MLA क्षेत्र में जाएंगे, इनका इलाज करा जाएगा। मैंने तो कर भी दिया था अपने नेटवर्क भी नॉर्म, हाथ जोड़ के भगा विधायक। अच्छा। हाँ, BJP का है, पहले बसपा में था, चोर मोसेरे भाई है, फिर सपा में चला गया, फिर हटा, फिर BJP में आ गया। सब ऐसी है, चोर मोसेरे भाई, किसी को कुछ पता ना, सब इनकी। जब सरकार जागी ना, यो अब तो ये जाँच करवा रहे हैं। हमारा एक अभी वो सांसद था बिजनौर का, क्या नाम है उनका, नागर, अभी उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए संसद में, नजिन्ना विधानसभा का संसद था, उसने उठाया, उनकी जांच रात में करा दी थी उन्होंने। जिस दिन सरकार गिरेगी, अभी तो दूसरों को फंसा रहे, एक को एक अधिकारी, एक को एक BJP का कार्यकर्ता, ऐसे जाएंगे जेल में, जगह हाथ नहीं आनी, सबको ठोक दिया जाएगा, सबको बदल दिया जाएगा। MLA का इलाज गांव-गांव में कर दिया जाएगा, टीम तैयार है, किसानों के डंडे और झंडे और फावड़े, हमारे हथियार की जरूरत नहीं है, हमारे पास हथियार खुद है, दाती हमारे पास, फाला हमारे पास, बल्लम हमारे पास, ट्रैक्टर हमारे पास, हम तो पेल का सब कर देंगे खत्म। कितने मारेंगे, कितने गोले छोड़ेंगे, कहाँ तक छोड़ेंगे? 60 ने सादे दे चुके हैं यहाँ, दो तो यहाँ, दो यहाँ भी, दो हमारे यहाँ भी, एक ये इधर और एक वो उधर, दो सादे। अभी हमें इसकी चिंता नहीं है, जवान और किसान हमेशा मरने के लिए, ऊपर भी यहाँ भी, लेकिन सरकार की नीति है, इन नीति के अनुसार इन्हें बचा ले, कैसे बचाता है उसका दिमाग। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ वो भी लगातार विकास कर रहे हैं और 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या सिर्फ नाम बदलकर जीत जाएंगे इस बार? ऐसा है, वो तो मैंने आपसे कहा ना, उधर गए 2 करोड़ में, 5 करोड़ में, 6 करोड़ में टिकट बेच दिए गए, खाते हैं पहुँच गए, उसे टिकट दे दिया, हिंदू मुस्लिम करा के यहाँ आ गए। उसका जवाब 22 में दे रहे, उसका जवाब 22 में मिलेगा, जब हमको आपको बताएंगे क्या है। हम ऐसे नहीं, हम किसान हैं, जय जवान और जय किसान, अब मेरा देश महान। देखो एक बात है, ये 26 जनवरी की तो बात है भाई, ये देश आजाद जो है किसान के बेटों ने करा रखा, किसी नेता के बेटे ने कोई कुर्बानी नहीं दे रखी। 26 जनवरी में किसान जो है हर हाल में, चाहे खून की नदी में आ जाओ प्रधानमंत्री ने, चाहे इसकी दादी भी आ जाइयो, झंडा फहरा होगा किसान। दिल्ली में लाजमी चाहे खून की नदी में आ जाइयो, 26 जनवरी में झंडा फहरा जाएगा, निश्चित पक्की बात है भाई। आगे भी चलेंगे और हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि भगवान परमात्मा ईश्वर इन्हें बुद्धि दे, समझे, और ये हम लोगों की बात माने और अपनी कामयाब गए, हमारी बात मानेंगे किसानन की तो इन्हें हीरा बना देंगे, हीरा, और बात नहीं मानेंगे तो जीरा बना देंगे।
देख रहे थे मीडिया वॉइस। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस के पेज को लाइक कीजिए, अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज़।